नॉर्मली कपल्स के लिए रूम बुक करना काफ़ी मुश्किल का काम होता है। ऐसे में ज़्यादातर जो होटल होते हैं वो कपल्स के लिए रूम प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आपको बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ता है कि कौन सा होटल रूम बुक करे और ना करे। मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से अगर आप कपल्स के लिए रूम बुक करते हैं, या अगर आपके साथ कोई फैमिली है या कोई फ्रेंड है, या आप खुद कहीं अकेले जाते हैं, अगर आप खुद कहीं अकेले जाते हैं तो किस तरीके से आप होटल में रूम बुक करेंगे, इसका मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आपको GoIBGO को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे GoIBGO पर क्लिक करता हूँ। इसका जो हेड क्वार्टर गुड़गांव में है और ये बहुत ही अच्छा कंपनी है जो होटल बुक करने के लिए, तो आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही पहले ही नहीं, यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर डाल के इसको आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है तो इस तरीके से मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद इसको यहाँ पे कंटिन्यू वाले क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर 4 डिजिट का OTP आएगा, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। अगर नहीं करता है, अगर अदर मोबाइल में अगर आपका सिम लगा हुआ है तो वहाँ से OTP ला के आपको इसमें डाल के यहाँ पे वेरीफाई वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर डिटेक्ट हो चुका है, यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है, मैं इसको बैक करता हूँ। अब यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालेंगे और यहाँ पे अपना लास्ट नेम जो भी है तो आपको यहाँ पे डाल देना। अब यहाँ पे आप अपना जो है जो भी नाम है वो नाम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे जो है नीचे में ईमेल आईडी डालना, जैसे मैं यहाँ अपना नाम डाल देता हूँ राजा इस तरीके से, और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देना। जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। डालने के बाद यहाँ पे लेट्स टेबल पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपका जो अकाउंट यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पर देखिए वेलकम टू GoIBGO राजा, तो यहाँ पे मेरा अकाउंट बन चुका है। और यहाँ पे आपका ढेर सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ से होटल, फ्लैट, ट्रेन, कैब, कपल होटल, एयरपोर्ट, बस, यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके साथ फैमिली है या कोई फ्रेंड है तो यहाँ पे होटल्स पे क्लिक करके उसको बुक कर सकते हैं। अगर आपके साथ लड़की है, आप कपल होटल बुक करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ कपल होटल्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए कि लोकेशन आ जाता है। पहले डालना पड़ेगा कि आप कौन सा एरिया में कौन सा जगह पर अपना होटल बुक करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। सिंपली मैं यहाँ पर डाल देता हूँ दिल्ली। इस तरीके से यहाँ पे डालेंगे दिल्ली, तो दिल्ली में आपको कहाँ लेना है रूम वो यहाँ पे सारा ऑप्शन आ जाता है। मैं यहाँ पे दिल्ली ही चूज कर लेता हूँ मेन। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे चेक इन और चेकआउट का टाइम डालना है, तो मैं यहाँ देखिए चेक इन और चेकआउट, तो आप कौन सा डेट से लेकर कौन सा डेट में आप बुक करना चाहते हैं वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। या देखिए यहाँ 27 से 28 भी आप इस तरीके से बुक कर सकते हैं, 27 से 28, तो ये डेट आपका बुक हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फरवरी में बुक कर सकते हैं, या यहाँ पे मार्च का ऑप्शन आ चुका है, अप्रैल का आ चुका है, मई का आ चुका है, तो आप यहाँ पे जून, यहाँ पे देखिए लगता है पूरे साल का यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप कोई भी डेट में आप होटल बुक कर सकते हैं। इसको सिंपली डन वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको रूम सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे कितने रूम चाहिए, 1, 2, 3, तो हमको 1 चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 ही रहने दूंगा। एडल्ट कितने चाहिए, मतलब कितने पर्सन है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, तो हम यहाँ 2 है 2 ही रहने देंगे। इस तरीके से माइनस वाले पर करके 2 कर लेंगे। यहाँ पे आपको कोई बच्चा है तो यहाँ प्लस वाले पे क्लिक करके उसको इसमें से सेलेक्ट कर लेना, अगर नहीं तो सिंपली यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसका सिंपली यहाँ पर डन वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पर देखिए कि दिल्ली आपका चेक इन और चेकआउट का टाइम आ चुका है, 1 रूम और 2 पर्सन है। यहाँ गेट ए रूम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पर आपको ढेर सारा रूम देखने को यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ढेर सारा रूम आ चुका है। यहाँ पर 3 स्टार है, यहाँ पर 5 स्टार है, 3 स्टार है, 5, 3, इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि ढेर सारा आपको रूम यहाँ पे 4 स्टार भी यहाँ पे है। आपको नीचे जितने जाइएगा उतना आपको सारे का सारा रूम यहाँ पे आपको मिल जाएगा।
इस तरीके से यहाँ पर रूम देख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो इसका प्राइस भी यहाँ पे शो करता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 59% ऑफ है और 1156 रुपया में जो 2832 रुपया ये रूम का है, तो यहाँ पे डिस्काउंट होकर आपको इतना मिलता है। तो यहाँ पे इसका डिस्काउंट भी देख सकते हैं, आपको जो भी रूम पसंद है उसको अपने बजट के हिसाब से इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ 3899 रुपया का जो रूम है वो यहाँ पे 3369 रुपये का, यहाँ पे 14% ऑफ है। इस 3 स्टार का देख रहे हैं कि यहाँ पे 1999 रुपया है, तो यहाँ पे 974 रुपया हो चुका है, 51% ऑफ है, 3 स्टार होटल है। इस तरीके से यहाँ पे आपको जो भी रूम बुक करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ 3 स्टार होटल है और यहाँ पर देखिए 4525 रुपया का होटल, तो यहाँ पर देखिए 622 रुपया है। अगर आप डायरेक्ट होटल रूम बुक करने जाते हैं तो आपको इतने सस्ते में कभी होटल मिलने वाला नहीं है। पहले बात तो आपको ये टेंशन रहेगा कि कपल्स के लिए रूम मिलता है या नहीं मिलता है, उस होटल में कपल्स को रूम देगा या नहीं देगा। तो पहले बात तो आपको वो टेंशन, तो यहाँ पर पहले अब होटल में आपको ये टेंशन रहेगा कि कपल्स को रूम देगा या नहीं देगा। तो यहाँ से बुक करने के बाद आप तो समझ ही जाएंगे ये कपल्स के लिए अलाव है, और यहाँ पर आपको ऑनलाइन में आपको इतने पैसे में रूम मिल जाता है। आपको प्रैक्टिकली कभी नहीं आपको यहाँ 4000 का रूम यहाँ पर आपको 600 मिलने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑनलाइन बुक करने का ये फ़ायदा है कि आपको यहाँ पर ढेर सारा डिस्काउंट भी मिल जाता है। यहाँ पे देखिए कि 4000 का रूम आपको यहाँ पे 4100 का यहाँ पे 2000 में मिल रहा है, तो इससे सस्ता आपको क्या चाहिए, 5 स्टार ये रूम है। चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इस तरीके से सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इसको आप देख लीजिए, ये आपका होटल हो चुका है, ये आपका 5 स्टार होटल है। इसका पिक भी देख सकते हैं, देखिए कितना शानदार है। चलिए मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, तो इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही ये आपको बड़ा बैंक आप फोटो दिखा देगा। तो क्लिक करते ही ये फोटो जो है सारा का सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये देखिए आपका 5 स्टार होटल आ चुका है। यहाँ पे सेफ्टी एंड हाइजीन का ऑप्शन है, यहाँ रूम है, देखिए आपका ये सारा का सारा ये रूम है। यहाँ पे स्विमिंग पूल है, देखिए कितना शानदार ये रूम है, क्योंकि ये 5 स्टार होटल है। यहाँ रिसेप्शन एरिया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ देखिए अदर प्लेस में आपको यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 5 स्टार होटल है और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत है। तो समझ सकते हैं जो 5 स्टार होटल है तो कि वो अच्छा होगा ही। चलिए हम यहाँ से बैग आ जाते हैं, तो बैग वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम बैग आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ गाइडलाइन है, यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको 51% डिस्काउंट है और ये आपका होटल है। इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि वॉकिंग डिस्टेंस आपको यहाँ पे फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट है। यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे गाइडलाइन है, इस स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कुछ यहाँ पे गाइडलाइन है, इसको आप रीड कर लेंगे। यहाँ पे कपल्स के लिए कुछ रूल है, यहाँ पर देखिए अनमेरिड कपल है, यहाँ अलाव है, लोकल आईडी भी चलेगा, प्रोवाइडेड बैंकिंग है, यहाँ पे फ्री चेक इन है। इस तरीके से यहाँ पे इसका देख रहे हैं कि आपको कैंसिलेशन टिल 26, मतलब आपको बोला जा रहा है कि आप जो रूम बुक करते हैं तो 2 बजे से पहले अगर आप इसको कैंसिल कर देते हैं तो आपको जो है 100% आपको रिफंडेबल हो जाएगा। यहाँ पे है होटल रूल है, इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए अनमैरिड कपल अलाउड है, यहाँ पे स्मोकिंग विथ पीरियड नोट अलाउड है, यहाँ पे देख रहे हैं पर्ट योर नोट अलाउड है। तो यहाँ पे जो भी है गाइडलाइन, इस पर क्लिक करके इसको गाइडलाइन को आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर सारा का सारा आपको गाइडलाइन आ जाता है। चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, तो बैक आने के लिए सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। इस तरीके से बैक आने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे और कुछ गाइडलाइन है, इसको आप रीड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं यहाँ सेलेक्ट रूम पे क्लिक करके मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। इससे पहले कुछ और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिव्यू पे क्लिक करके इसका रिव्यू देख सकते हैं कि जो भी आदमी पहले इस होटल में गया हुआ है तो वो अपना कुछ डिसीजन दिए रहता है, कुछ गाइडलाइन दिए रहता है, यहाँ पर लिखे रहता है, तो आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, उसका कोई भी निगेटिव पॉजिटिव ये में तो कोई भी पर्सन जो गया हुआ है वो यहाँ पे रिव्यू देता है, तो यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव में अपने होटल के बारे में लिखता है, तो आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद लोकेशन पे क्लिक करके यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं, जो दिल्ली में ये होटल कहाँ है वो लोकेशन आप मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। सिंपली यहाँ से हम बैक आने के बाद यहाँ पर कुछ यहाँ पर रेटिंग है, इसको देख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसके बाद सेलेक्ट रूम पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है, ये आपका जो रूम है जो अभी बुक कर रहे हैं आप। तो इस तरीके से यहाँ पे और भी रूम है, तो जो भी रूम आपको सेलेक्ट करना है इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारा और भी आपको रूम देखने को मिल जाता है। चलिए हम ऊपर वाला ही सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसको मैं पहले सेलेक्ट किया था 2028 रुपया का, तो मैं इसको सेलेक्ट वाले पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए आपको नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लेके यहाँ पे आपको ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पे आप जो होटल बुक कर रहे हैं वो होटल आ गया, यहाँ पे चेक इन और यहाँ पे चेकआउट का टाइम आ जाता है।
कि कब आपको जाना है, कब वहाँ से आना है। वन नाइट के लिए हो गया, यहाँ पे वन रूम हो जाता है, यहाँ पे दो गेस्ट है। इसके बाद यहाँ पे है जो हाउस रूल, कुछ रूल है यहाँ पे, देखिए अनमैरिड कपल अलाव है, यहाँ पे स्मोकिंग नोट करना है, यहाँ पे जो भी और भी है गाइडलाइन उसको यहाँ पे रूल उसको आपको फॉलो कर लेना है। यहाँ पे प्राइस समरी देख रहे हैं, यहाँ पे रूम चार्ज वन रूम वन नाइट के लिए 4100 रुपया है, बल्कि आपको टोटल डिस्काउंट 41% मतलब 51% मिल रहा है, तो यहाँ पे 2072 रुपया। यहाँ पर प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 2028, और यहाँ पे टैक्स भी आपको यहाँ पे 880 रुपये देने पड़ेंगे, तो यहाँ पर टोटल आपको जो है देने पड़ेंगे आपको 2908 रुपये। इस तरीके से यहाँ पे अगर आप प्रोमो कोड अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे ट्रेवल डिटेल्स में यहाँ पे जो है आपको कोई भी एक पर्सन का नाम डाल देना है, जैसे मैं अपना खुद नाम डाल दूंगा, तो इस तरीके से अगर दो आदमी हैं तो आप एक आदमी का नाम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, इस तरीके से मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आ जाता है पहले से ही, जब आप आईडी बनाए थे वहाँ से ये ले लेता है। इस यहाँ से हम इसको डन करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो है सेलेक्ट हो चुका है, सिंपली गेट ए रूम मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपका जो आ जाता है नाउ, यहाँ पे नाउ वाले पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे लेके आ चुका है। यहाँ पे आपका रूम है, इस तरीके से यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर डालेंगे, इसके बाद एक्सपायरी डेट और CVV नंबर डालेंगे, इसके बाद कार्ड होल्डर का नेम डालेंगे और इससे आप पेमेंट कर देंगे, या सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे UPI नेट बैंकिंग मोबाइल वॉलेट और पे लेजर और ट्रिप मनी है, इससे भी आप बहुत ही आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर आप एक बार पेमेंट करते हैं तो आपको जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक OTP आएगा, OTP जैसे ही डालते हैं तो ये आपका जो ऑर्डर प्लेस हो जाता है और ये आपका रूम बुक हो जाता है। जो भी डेट में आप रूम बुक किए हैं उस डेट में जाएंगे और सिंपली आप वहाँ पर नाम बोलेंगे या आप जो आधार कार्ड है या कोई आईडी एक दिखाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप उसमें चेक इन कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा पूछताछ वहाँ पे नहीं करेगा और बहुत ही इजीली आप वहाँ पे चेक इन कर पाएंगे। सो गाइस, इसी तरीके से आप कपल्स के लिए रूम, अपनी फैमिली मेंबर के लिए रूम या फ्रेंड के लिए रूम बहुत ही इजीली आप बुक कर सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, आपने जाना कि अगर आप कपल्स के लिए रूम बुक करते हैं या आपके साथ कोई फैमिली मेंबर है या फ्रेंड है या खुद आप कहीं अकेले जा रहे हैं तो किस तरीके से हम होटल में रूम बुक करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।